नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड प्रिडिक्शन फॉर यू गाइस। साल 2024 आप लोगों के रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आपको अपने फर्स्ट नेम के हिसाब से, अपने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करने हैं। अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, और अगर आपका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और आज की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले विद ग्रुप नंबर वन। नमस्ते ग्रुप नंबर वन, अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो लेट्स सी दिस कमिंग ईयर, वॉट इज दिस कमिंग ईयर ब्रिंगिंग फॉर यू, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, इन योर लव लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप्स। आई विल पिक फोर कार्ड्स, ओके। देखते हैं वॉट इज द मैसेज फॉर यू। ये रीडिंग सभी के लिए है, फॉर सिंगल्स ऑल्सो, फॉर मैरिड पीपल एज वेल। तो मैं जितने भी मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे, मैं सभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगी। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज चरखे फलक। आई रियली लव दिस डेक, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव कार्ड्स हैं इस डेक में। देन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से सबसे पहला कार्ड हमारे पास है कुवत, इज बेसिकली स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है मलिका ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरऑल थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल सी एक थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए फॉर दिस कमिंग ईयर। आई सी आप लोगों के लिए जो बंद दरवाजे हैं एक तरीके से, वो खुलने वाले हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है इस साल में कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे, अगर आप शादी का वेट कर रहे हो तो शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस साल में काफ़ी सारे लोगों के लिए। आई वुड से अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप यस नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने वाले हो। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स को देख रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो सेल्फ के साथ में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सेल्फ लव भी मुझे इस इमेज में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई फील कि इवन अगर आप सिंगल हो ना, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनर नहीं है, आप अपनी लाइफ को एक नए ढंग से जीना शुरू करोगे, या अपनी लाइफ में से आप अननेसेसरी के कन्फ्यूजन्स और नेगेटिविटी को दूर करने वाले हो इस साल में। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से प्यार करना सीखने वाले हैं, अपनी वैल्यू करना सीखने वाले हैं। 2024 जो है हमारा 8 नंबर का जो ये वाला साल आ रहा है, इसमें बहुत सारा इनर वर्क आप करोगे एंड देन अल्टीमेटली उसका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको साल भर के अंदर ही मिल जाएगा। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे यहाँ पे आप लोग के स्प्रेड में दिखाई दे रही है वो ये है कि नंबर 8 का ये साल है, शनि महाराज का ये साल है, और नंबर 8 का कार्ड भी हमारे पास में आ गया है। यहाँ पे डिवाइन गॉडेस की एनर्जी भी है, माँ शेरावाली की एक पावर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको आपके रिलेशनशिप में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों का कनेक्शन कहीं किसी से टूट गया है, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, अगर ये व्यक्ति आपके हायर पर्पस के साथ में अलाइन नहीं है, तो ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो जाएंगे, गॉन हो जाएंगे इस साल में, जून का महीना आने से पहले पहले, शुरू के 6 महीने के अंदर ही ये चेंज आ जाएगा। और आप खुद से लेट गो करना सीखोगे इस साल में। आप बहुत सारी नेगेटिव कॉर्ड्स और नेगेटिव रिलेशनशिप्स में अगर आप स्टक हो, तो उनसे आप कट कर पाओगे अपने आप को, और अपनी फ्रीडम को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस साल में ना आप बहुत ज़्यादा
फियरलेस होकर के जीने वाले हो अपने बहुत सारे डरों के ऊपर, जो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के जो फियर्स आपके मन में बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप बहुत हद तक काबू पा पाओगे और उनसे जीत पाओगे, और अपने फियर्स को पीछे रख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। वो एक वल्नरेबल फीलिंग जिससे आपका मन घबराता है उससे आप जीतने वाले हो या उसको आप कॉन्कर करने वाले हो इन 2024। एंड आई सी कि अननेसेसरी की कन्फ्यूजन्स में अगर आप स्टक हो तो वो कन्फ्यूजन भी आपके डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं कम्प्लीटली। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक ना ट्रैक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ में, कार्मिक साइकिल अगर आप लोगों की चल रही है तो इस साल में आपको बहुत हद तक अगस्त, जून से अगस्त के महीने तक आपको बहुत हद तक इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बट ओवरऑल मुझे जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन के लिए वो यही है कि इस साल भर में ना आपका ज़्यादा ध्यान जो रहेगा वो आपके अपने ऊपर रहेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति में, दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा अपना अपनी एनर्जी लूज कर रहे हो। सो आई फील कि इस साल में आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपने से प्यार करना सीखने वाले हो और अपने ऊपर काम करना सीखने वाले हो। सो ये एक बहुत मेजर अपग्रेडेशन जो है वो आप लोगों की एनर्जी में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द गाइडिंग मैसेजेस फॉर यू। सोल अपग्रेडेशन मेजर लेवल पे होने वाली है ग्रुप नंबर वन के लिए। सी वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एंड जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ हम लोग ऑलरेडी न्यू मून के फेज में ही चल रहे हैं। सो चरखे फलक एंड वी हैव न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है अगर आप बहुत लंबे टाइम से टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो ना तो भी आप उससे बाहर आने वाले हो और आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, या आप हिम्मत जुटा के ना अपने लिए खड़े होने की हिम्मत कर पाओगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो चीज़ें आपको अभी तक कंफ्यूज कर रही हैं वो सब हटने वाली हैं, आपका विजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है। इस साल में आप लोगों के लिए जो फुल मून्स का जो टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी आप अपनी वल्नरेबल, अपने आप को वल्नरेबल कर पाओगे। आपने अगर अपने लिए कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ सेट कर लिए हैं जिनकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो तो उनसे बाहर निकलोगे आप इस साल में। ओके एंड फाइनली वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड दिस इज़ वॉट वी सी हैपनिंग इन दिस कार्ड ऑल्सो। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप जुड़े हुए हो बहुत ज़्यादा, या किसी से आपने बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखी हुई हैं तो आप उनको रिलीज कर पाओगे, दिल से अपने लेट गो कर पाओगे। सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। जो नेगेटिव कॉर्ड्स आपके ऑरा में कनेक्टेड हैं वो रिमूव होने वाले हैं अपने आप से। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर होने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। सो यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। कई चेंजेस इस साल में गाइस ऐसे आएंगे ग्रुप नंबर वन आपकी लाइफ में जो कि आपको लगेगा कि भाई ये बहुत हर्टफुल हो रहा है मेरे लिए, या बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, या लाइफ में ये इतना बड़ा चेंज अचानक से कैसे आ गया। तो उस मोमेंट में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि सब कुछ एक बिगर गुड के लिए हो रहा है, आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो रहा है। गॉड विल नेवर अबैंडन यू, महादेव विल नेवर अबैंडन यू। आपको कभी भी वो गलत रास्ते पे जाने से, हमेशा अपने बच्चों को बचाते हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं। सो आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। मे बी थोड़े टाइम के लिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एज़ यू कीप ऑन फॉलोइंग द पाथ, आप सरेंडर करके बस चलते चलो एंड लेट गो। लेट गो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ अननेसेसरीली। ठीक है। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। आप लोगों का जो 2024 है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है फ्रॉम योर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू। वी ऑल्सो हैव टू चेक कि आप लोगों का जो है हेल्थ का मैटर जो है वो कैसा रहने वाला है। सो आई विल पिक टू कार्ड्स टू सी द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर फॉर योर हेल्थ। ओके
सबसे पहले जो 6 महीने रहेंगे आपके लिए, उनके लिए हमारे पास में कार्ड है, टू ऑफ स्टाफ्स का, यानी टू ऑफ वॉन्ड्स का, एंड देन वी हैव फोर ऑफ कॉइन्स फॉर योर हेल्थ। सो सेहत के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसमें आपको अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर आपको काम करना है, और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर आपको काम करना है। आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। लेग्स से रिलेटेड, जॉइंट्स या पैरों से रिलेटेड कुछ इशू आपको इस साल में हो सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो तो आपको थोड़ा सा संभल के ड्राइव करना है। और इस साल में आपके लिए जो फिजिकल एक्सरसाइजेज, या फिजिकली अगर कुछ आप करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ना स्ट्रेचिंग्स और योगा वगैरह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। द मोर यू स्ट्रेच योर मसल्स विल बी गुड फॉर यू, आपका एनर्जी फ्लो नॉर्मल बना रहेगा। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ स्किन एलमेंट कई लोगों के लिए हो सकते हैं शुरुआत के 6 महीने के अंदर अंदर। सो दिस इज़ अ हिंट फॉर यू, यू नो यू हाउ यू हैव टू डील विद दैट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आप लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है शुरुआत के 6 महीने में, एंड अपने आप को किसी चीज़ से बचा करके चलने के लिए आपको कहा जा रहा है। मे बी यू ऑलरेडी हैव अ सर्टेन इशू गोइंग ऑन हेल्थ रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जो भी कुछ आप प्रिकॉशनरी कर सकते हो अपनी सेहत के लिए, वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। ओके, ध्यान उसके बाद में भी देना है, लेकिन पहले जो 6 महीने हैं उनमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है। मुझे यहाँ पे मैसेज आप लोगों की ना मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फॉर योर मेंटल हेल्थ यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ। देन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी हैव फोर ऑफ कॉइन्स, जिसमें आपकी हेल्थ वगैरह जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर आप लोगों के एनर्जी लेवल्स थोड़े से अप एंड डाउन रह सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कभी आप एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो, कभी आप एकदम यू नो लेजी और लेथार्जिक हो गए, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। ये आपके वर्कलोड की वजह से हो सकता है, या ये आपके कुछ पर्टिकुलर लाइफ स्केड्यूल की वजह से, डेली स्केड्यूल की वजह से हो सकता है। सो इसीलिए एक्टिव रहना जो है वो आपके लिए पूरे साल भर में इट विल बी गुड फॉर यू। दूसरा, यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है जॉइंट्स से जुड़ा कुछ इशू, घुटनों से जुड़ी कोई परेशानी वगैरह जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, अपने पोस्चर का आपको ध्यान देना है। आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी आपको ध्यान देना है इन द लैटर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, सो आई बिलीव कि सबसे जो हमारे पहले शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसमें आपको आपके आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना है, और बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें आपको फोकस करना है ज़्यादा आपके रूट चक्रा के ऊपर, विच इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बॉटम में लोकेटेड होता है। एंड लुकिंग एट दिस सिचुएशन, द क्रिस्टल्स दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अपने आज्ञा चक्र के लिए आप एमेथीस्ट यूज़ कर सकते हो, आप क्लियर क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हो, आप लैब्राडोराइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रोटेक्शन अपनी ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो आप टाइगर आई भी पहन सकते हो। टाइगर आई आप पूरे साल पहन सकते हो, बहुत लकी रहेगा इस साल। टाइगर आई बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक टर्मलिन बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक अगेट अगर आपको सूट करता है तो आप ब्लैक अगेट पहन सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर हनी कैल्साइट हो गया आपका, येलो सिट्रीन हो गया, इस तरीके के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके इस साल में यू नो दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओवरऑल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, आपको लड़ने की शक्ति देंगे। मैं देख रही हूँ कि वो जो पावर आपके अंदर से जनरेट होने वाली है, या जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनका सामना करने की शक्ति आपको देंगे, आपकी विल पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आई फील बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नीड है इसके ग्रुप नंबर 1 में। सो ये मैसेज आ रहा है बार बार, पॉप पॉप हो रहा है मेरे माइंड में, दैट विल पावर इंक्रीज करने के लिए नीड टू वेयर टाइगर आई। टाइगर आई इज़ नीडेड फॉर मैनी पीपल। मे बी आपके अंदर की जो शक्ति है, जो फायर है, वो कहीं ना कहीं दब गई है और लोग आपको ओवर पावर कर लेते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, राइट? सो यस,
नाउ दिस इज़ इट, फाइनली यहाँ पे हम लोग रीडिंग को कंक्लूड कर रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर वन. काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए डेप्थ में मैसेजेस जो हैं वो निकल के आए हैं. आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको आपका जो ये नेक्स्ट आने वाला जो साल है इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी, और अपनी तरफ से अगर आप लोगों ने कुछ भी अपने माइंड में क्लियर रख के चलना है तो वो आप जान पाए होगे. जाने से पहले एज यूजुअल माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर एनर्जी एक्सचेंज, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. और अगर आप नए हैं, आपके साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे. वी विल मूव टू द सेकेंड ग्रुप नाउ. नमस्ते, हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी. ग्रुप नंबर टू, अगर आपका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एंड रिलेशनशिप और हेल्थ आप लोगों की कैसी रहने वाली है ये हम देखने जा रहे हैं इन 2024. यू ऑलरेडी हैव योर फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ एट ऑफ कप्स. सो सबसे पहले तो चार कार्ड्स मैं पिक करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? सभी के लिए ये एक कंबाइंड रीडिंग होने वाली है. सो काफ़ी सारे मैसेजेस मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. आपको अपने लिए वही मैसेजेस पिक करने हैं जो आपकी सिचुएशन के साथ में, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल्स के लिए जो मैसेज आ रहा है वही पिक करेंगे. ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स वी हैव, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग, ड्रीमिंग. फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स. आई सी के कुछ ना एयर क्लीन होने वाली है. आई थिंक दिस इज़ अ जनरल मैसेज फॉर एवरीबडी. कुछ कन्फ्यूजन वाली जो हवाएं चल रही हैं बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, वो क्लियर आउट होने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं अपने बारे में. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस साल नए सिरे से सपने देखना शुरू करोगे, और अपने लिए एक नया रास्ता आप खोजोगे, एक नया रास्ता बनाओगे. आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो आप अपने रिलेशनशिप को एक नया ट्विस्ट देने वाले हो, और आपके रिलेशनशिप में एक नई ब्राइटनेस और एक स्पार्क मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है. जब आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे मुझे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदद भी मिलने वाली है, आपको हेल्प भी मिलने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलना है इस साल में. आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी फैसले ले रहे हो, सी गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है. नंबर आठ का जो साल है ये ना कार्मिक ईयर है, और एट ऑफ कप्स के साथ में आप लोगों की रीडिंग जो है वो शुरू हो रही है. नंबर एट इज़ देयर. सो कार्मिक ईयर में जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हो वो बहुत लाइक माइन्यूटली रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, और अभी तक जो कुछ हुआ है आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं उस हिसाब से आपको फल भी मिलना शुरू हो जाएगा. तो अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में बहुत स्टक एनर्जीज चल रही थी, तो 2024 में चीज़ें आप लोगों के लिए सी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो नए सपने देखना भी शुरू करेंगे, या नए रिलेशनशिप्स में भी एंटर करेंगे. पुराने रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और स्टेल हो गए थे, बहुत बोरिंग हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो. आप अपने लिए एक नया पार्टनर या एक नया रिलेशनशिप आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस साल में. आई ऑल्सो सी के इस साल आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं जनरली, आई नो, क्योंकि कार्मिक ईयर है तो बहुत सारा काम लोगों के पास में रहेगा. आप बहुत बिजी रहोगे, आप बहुत एम्बिशियस फील करोगे, और आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो. मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर टू कि आप में से बहुत सारे लोग पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और इस साल में फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगी. फ्रॉम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू आप रिलैक्स फील करोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, और आप अपने आप को एक होप दोबारा से दे पाओगे. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है, तो इस फीलिंग से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, इससे आपको बच के चलना है, क्योंकि जो लोग वापस आ रहे हैं ना इस साल में,
वो थोड़ा सा नेगेटिव वाइब लेकर के आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, सो थोड़ा सा बच करके चलना है। आप ड्रीमी रहिए, आप खुल करके जियो अपनी लाइफ को, लेकिन अपनी एनर्जी को आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रखना है। यू नीड टू सेट बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। वो बाउंड्रीज जो शायद आपने अभी तक अपने लिए क्रिएट नहीं करी हैं, वो आपको अपने लिए सेट करनी है। कैसे सेट करनी है, कई लोगों को क्लैरिफाई नहीं होता व्हाट इज सेटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट करती है और सामने वाला व्यक्ति बार बार वो चीज़ कर रहा है, तो आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आप प्लीज़ इस तरीके का बिहेवियर मत कीजिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेइंग डाउन बाउंड्रीज, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना। ओके सो एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, बिकॉज यू आर नथिंग लेस देन अ स्टार, आप किसी चमकते हुए स्टार से कम नहीं हो। योर पाथ इज़ वेरी मच फुल ऑफ लाइट, आपका रास्ता जो है वो खूब रोशनी से भरा हुआ है, और बहुत सारी ईश्वरीय कृपा और ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप लोगों के रिलेशनशिप पाथ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी व्हाट अदर गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू गाइज। 2024 के लिए आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग सिंगल्स हैं बेसिकली, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम अकेले और काटना पड़ेगा, बिकॉज़ यू रियली नीड टू फाइंड योर सेल्फ। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक खुद को ही अच्छे से नहीं पहचाना है, और इस वजह से गलत रिलेशनशिप्स में एंड अप हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी वॉट इज द गाइडेंस फॉर यू। अनदर फोर कार्ड्स, वी हैव होल्ड योर विजन, आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ भी गलती नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशंस गलत नहीं है, यू आर हाफ वे देयर। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, देन वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों को आपने जीतना है। एंड वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस, दिस इज लाइक अराउंड फेबररी के आसपास की बात हो रही है, फेबररी मार्च, ठीक है। सो फेबररी मार्च के अराउंड में कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या पुराने कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और ये हो रहा है आपका, देख रहे हो आप, दिस इज़ हैपनिंग अराउंड न्यू मून टाइम, अमावस का जो टाइम होता है उसके आसपास में ये चीज़ हो रही है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये इंसान बहुत ज़्यादा लाइक अल्टीरियर मोटिव्स लेकर के आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वेंजफुल इमोशन लेकर के आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छे से सोचना है अपने बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, चीज़ों के बारे में। जो लोग सिंगल हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके जो फियर्स हैं वो उनको होल्ड बैक कर रहे हैं, तो आपको इस साल में आपके दिमाग के अंदर जो वो अच्छी वाली पॉजिटिव वाली जो आवाज़ है ना, जो आपको मोटिवेट करती है, उस पे आपको ध्यान देना है, उस आवाज़ को आपने सुनना है, और जो नेगेटिव वाली आवाज़ आती है ना उसको दबा देना है। ओके, सो इस साल में आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के रिस्क ले सकते हो डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लगता है। आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर सिंगल पीपल, इफ़ यू रियली लाइक समवन तो आप फर्स्ट मूव भी ले सकते हो उस व्यक्ति के तरफ, उसमें कुछ भी आपको डेंजर नहीं है, कुछ हार्म नहीं है। बट येस, अगर आप बहुत जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इमोशनली सरेंडर कर देते हो अपने आप को, तो उस चीज़ से आपने बचना है। बॉटम ऑफ द डेक आपका जो कार्ड निकल के आ रहा है, दैट इज़ अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अगर आपके रिलेशनशिप में, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, उसमें परेशानियाँ चल रही हैं, तो बाय द कैंसर सीजन, यानी कि हमारा जो जुलाई का समय है, जुलाई का महीना आने तक काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड स्पेशली कब होगा ये, फुल मून के अराउंड, जुलाई में जो भी फुल मून पड़ेगा उसमें आपके जो है बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यस, एंड नाउ आई विल पिक टू कार्ड्स टू सी कि आप लोगों की सेहत कैसी रहने वाली है। हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, शुरुआत के 6 महीनों में और फिर बाकी के बचे हुए साल में, यानी कि जो हमारा जुलाई से दिसंबर तक का समय होगा उसमें। ओके, सो
फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपकी सेहत के लिए कार्ड निकल के आ रहा है नंबर 20, दिस इज मीजान। एंड देन सेकेंड हाफ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है मलिका ऑफ कप्स। स्ट्रेट अवे मुझे मैसेज मिल रहा है कि सेकेंड हाफ के लिए तो आपको सेक्रल चक्रा के ऊपर अपने फोकस करना होगा, वाटर इनटेक के ऊपर फोकस करना होगा, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो फूट फूट के बाहर निकलने वाली है। ठीक है, आप क्रिएटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो, आप लोग योगा में इंडल्ज कर सकते हो, आप नेचर में ज़्यादा टाइम बिताना ये प्रेफर कर सकते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपका जो पहला जो लाइक शुरुआत के जो छः महीने हैं, सॉरी फ्रॉम जनवरी टू जून, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर और आपके हार्ट चक्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपका फोकस जो है वो इस एरिया के ऊपर जा रहा है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेथ वर्क, ओके, ब्रीदिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, अलग अलग लंग्स की एक्सरसाइजेज हो गई, वो सब कुछ आप कर सकते हो। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, आपको अपने गले का ध्यान रखना है, कफ कोल्ड इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भाई बच के रहना है, एयरबॉर्न डिजीजेज से बच के रहना है। आई कैन ऑल्सो सी दिस लाइक एक वेब जैसा, जैसे इंटरनेट की वेव्स होती हैं आसपास में, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ जॉम्बीज सॉर्ट ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। तो आपके आसपास में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा मेडिटेटिव और पीसफुल अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करनी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा सूदिंग म्यूजिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मे बी साउंड थेरेपी या साउंड हीलिंग के ज़रिए आप अपने आप को यू नो हील करने की कोशिश कर सकते हो, या अगर कुछ इशू चल रहा है तो आप साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी आप प्रेफर कर सकते हो। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और डिफरेंट वाइब्रेशंस या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के थ्रू भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। फॉर दोज हु वॉन्ट टू नो अबाउट हीलिंग्स, या जो लोग जानना चाह रहे हैं, सिंस यहाँ पे कार्ड में आपके निकल के आ रहा है शुरुआत के पहले 6 महीने के लिए वाइब्रेशंस बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही हैं। वी आर गिविंग दिस ऑफर ऑन हीलिंग, जिसमें हम क्वांटम और थीटा हीलिंग्स कर रहे हैं। एंड आप अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सभी के लिए आप हीलिंग ले सकते हो। आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, आप अपने ऑरा को क्लियर आउट कर सकते हो, आपका कोई सर्टेन गोल है आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो इस हीलिंग के द्वारा। सो जो हम लोगों ने इसमें एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो पर पर्सन नहीं रखा है, क्योंकि पर पर्सन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एनर्जी एक्सचेंज एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिया है। सो वी हैव 3 पैकेजेस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आप लोगों को पर्सनल में बताऊंगी, यहाँ पे तो आई थिंक बस इतना ही काफ़ी है। बट येस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, इवन मेरी आवाज़ जो इस समय पर आप लोग सुन रहे हो, ये भी साउंड वाइब्रेशन के थ्रू ही आपके कानों तक पहुँच रही है। सो अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के थ्रू यू कैन ट्राई टू हील योर सेल्फ दिस ईयर। लाइक 174 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, स्पेशली अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जो है उसको अगर आप 174 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म इलनेसेस भी जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप उसको अपने घर में, जो हमारा मंत्र है उसको घर में आप प्ले कीजिए, रोज़ 108 बार प्ले कीजिए, उसको सुनिए, उसको साथ में आप चैंट कीजिए, एंड यू विल सी कि आपके जो भी पुराने कार्मिक अफेक्ट की वजह से अगर कोई बीमारी लिंगर ऑन हो रही है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, इवन अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और बहुत समय हो गया है उस क्रिया को किए हुए, लेकिन रिमूवल के बाद भी कई बार कुछ रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है ऑरा में, वो एनर्जी भी अगर क्लियर आउट नहीं हो रही है, अलग अलग तरीके आप ट्राई कर चुके हो, जस्ट ट्राई लिसनिंग एंड चैंटिंग टू महामृत्युंजय मंत्र 174 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पे। जो लोग मंत्र चैंटिंग के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, वो सिंपल फाइंड कर सकते हैं हीलिंग फ्रीक्वेंसी 174 हर्ट्स, और उसको आप प्ले कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो, अपने आसपास उसको फील कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्वांटम एंड थीटा हीलिंग, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिसके बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स दिखने को मिल रहे हैं लोगों के लिए, सो यू नो यू द नंबर इज़ अवेलेबल ऑन स्क्रीन, आप
जान सकते हो इस हीलिंग मोडालिटी के बारे में भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो आपका जुलाई से दिसंबर तक का जो टाइम आ रहा है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको सेक्रल चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अगर पीरियड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं या कंसीव करने में इशू हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी हील होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक रेमेडी भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, हर्बल रेमेडी। आप मगवॉट टी, MUGWORT, मगवॉट टी आप परचेज़ कीजिए, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और उसको थोड़ा सा आप पानी में उबाल करके आप पीना शुरू कर सकते हो। तो आपके अगर जैसे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बॉडी में स्टैमिना नहीं है, वीकनेस है, और अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो आपके टाइम पर नहीं आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको चल रहा है, तो आप विद इन अ मंथ आप नोटिस करोगे कि आपके बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको आते हैं, आने शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी में, और पीरियड्स भी आपके धीरे धीरे जो हैं, एज यू कीप ऑन ड्रिंकिंग द टी, टाइम पर आपके आने पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल क्रिस्टल्स की बात करें, तो भाई 2000 जो हमारा 24 का साल है, ये हमारा इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए क्रिस्टल रहने वाला है, वो टाइगर आई है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। टाइगर आई सभी के लिए इक्वली अच्छा रहने वाला है। एक तो आपको नज़र दोष से बचाता है, दूसरा शनि महाराज की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड ये रहता है, आप लोगों को विल पावर देगा पूरे साल में, लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे उनसे लड़ने की आपको शक्ति देगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा। आप जो यहाँ पे फंसने वाले थे ना, जो अननेसेसरी या इम्पल्स में आकर के अगर डिसीजन ले लेने की आपकी टेंडेंसी है, तो उससे भी आपको बचाएगा, बिकॉज आपके थॉट प्रोसेस को ग्राउंडेड रखेगा। कुछ भी इधर उधर की बातें भी आपके दिमाग में नहीं आएंगी, और अगर आप अपनी डे ड्रीमिंग से परेशान हो, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है, तो उसमें भी जो है टाइगर आई स्टोन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा वो ऑफ कोर्स एक तो साल की शुरुआत में ही रहेगा टाइगर आई पहन लेने के लिए, उसके बाद में जो सबसे अच्छा टाइम रहेगा वो मार्च का रहेगा, ओके। सो यूजुअली तो क्रिस्टल्स को पहनने के लिए कुछ ऐसा फिक्स टाइम हम लोग बताते नहीं हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स का कुछ ऐसा हार्म नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट येस, अभी मुझे इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर पीपल फ्रॉम ग्रुप नंबर 2। आप लोगों के लिए जो सबसे सूटेबल रहेगा टाइम वो जनवरी और मार्च का रहेगा टाइगर आई पहनने के लिए। टाइगर आई की माला कभी भी आपने नहीं पहननी है, टाइगर आई जो है वो हमारे रूट चक्रा के साथ में एसोसिएटेड स्टोन है, तो उसको गले में नहीं पहनना है आपने कभी भी। आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, एंकलेट पहन सकते हो, अंगूठी पहन सकते हो, ये 3 चीज़ें आप पहन सकते हो, राइट। सो येस, हियर वी क्लोज दी एनर्जी, और मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑलरेडी ऑलरेडी अभी इतनी जल्दी जल्दी ये साल 2023 चला गया है, बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की मेमोरीज हमको दे करके गया, और बहुत सारे लेसन्स हमको सिखा करके गया है। सो वी आर मूविंग ऑन टू दिस न्यू ईयर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ में, बहुत सारी विजडम के साथ में हम, और बहुत सारी पावर के साथ में इस साल में एंटर कर रहे हैं। एंड थ्रू आउट आई प्रे फॉर एवरीबडी कि पूरे साल और इवन पूरी लाइफ आप लोगों के लिए ये जो पावर आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, ये बनी रहे और ये बढ़ती ही रहे। ऑलराइट, सो गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिविनेशन सेशन। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।